आदली विधानसभा में जी एक तरफा ओम प्रकाश धनखड़ जी जो बीजेपी से उम्मीदवार हैं उनका एक तरफा माहौल है जी, काफी बड़े मत से यहाँ से जीता के उनको चंडीगढ़ भेजने का काम बादली हल्का करेगा। तरफा माहौल अच्छा बादली में क्यों देखने को मिल रहा है, कारण क्या है? क्योंकि कांग्रेस से जो विधायक है वो जीते हैं और पिछली बार 2019 की बात करें तो धनखड़ जी जो बीजेपी प्रत्याशी थे वो हार गए। माहौल है बादली विधानसभा, बिल्कुल बढ़िया माहौल है धनखड़ साहब का। धनखड़ साहब का अच्छा, जो कांग्रेस के विधायक है उनका वो तभी एक तरफ तो विधायक भी रह चुके हैं 5 सालों से, आपको नहीं लगता कि उनका जो पावर होगा वो और भी ज्यादा होगा कि जनता भूल कर देती है तो फिर आप लोग भूल करते ही क्यों हैं? नहीं, अब हमारे जैसे कि हम हैं इस तरह के सभी आदमी तो नहीं है ना। हाँ, इसमें कुछ आदमी विधायक लोग चुनाव में आकर करते हैं या विधायक बनने वाले होते हैं, क्या वो वादा पूरा होता है? ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ सच। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं सच टॉक्स। देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियों की तैयारियों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार सभी पार्टियों में जो टक्कर है वो कांटे की होने वाली है। इसी बीच हम आ पहुंचे हैं हरियाणा के बादली विधानसभा में। सीधा यहाँ पर रहने वाले लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बादली विधानसभा की जो जनता है वो इस बार किसको चुनना चाहती है या फिर हरियाणा में इस बार क्या कुछ मूड लोगों का है। मेरा आपसे पहला सवाल होगा कि बादली विधानसभा में इस बार क्या माहौल है? बादली विधानसभा में जी एक तरफा ओम प्रकाश धनखड़ जी जो बीजेपी से उम्मीदवार हैं उनका एक तरफा माहौल है जी, काफी बड़े मत से यहाँ से जीता के उनको चंडीगढ़ भेजने का काम बादली हल्का करेगा जी। अच्छा, तो एक तरफा माहौल अच्छा बादली में क्यों देखने को मिल रहा है, कारण क्या है? क्योंकि कांग्रेस से जो विधायक है वो जीते हैं और पिछली बार 2019 की बात करें तो धनखड़ जी जो बीजेपी प्रत्याशी थे वो हार गए। ऐसा है जी, पिछले बार जो भी क्या है नए नए मंत्री बने थे पिछली बार धनखड़ साहब, उन्होंने काम तो सार्वजनिक काम बहुत किए लेकिन कुछ पर्सनल काम या लोगों से जुड़ाव पूरी तरह नहीं कर पाए, इसलिए पिछली बार लोगों से कुछ गलतियां हुई है या धनखड़ जी से हुई है तो अपोजिट का नेता बना के हल्के ने बड़ी गलती कर दी जी। उसी नियमानों की कांग्रेस से जो विधायक बने हुए थे वस्तु उन्होंने कभी हल्के में घूम के ही नहीं देखा क्या समस्याएं हैं, किसी का कोई काम नहीं किया। काम किया तो उन्होंने जो भी ग्रांट आई बीजेपी सरकार ने, ग्रांट तो उनको भी दी है लेकिन काम किया वो वहाँ पे जज्जर से आगे दो किले लेकर अपनी कोठी बनाने मन रहा पैसा की, हल्के में एक पैसा नहीं लगाया उन्होंने। अच्छा, जो कांग्रेस के विधायक है कुलदीप वत्स, उन्होंने आप लोगों के लिए या फिर बादली विधानसभा के जो जनता है उनके लिए क्या किया इतने सालों में? उन्होंने कुछ नहीं किया जी, अपने लोगों के पास जाने का काम भी नहीं किया, जनसंपर्क भी पूरा नहीं किया, काम तो वो क्या करवाएंगे उनकी तो उनका क्या। तो फिर इस बार चुनाव का आप लोगों का मुद्दा क्या होने वाला? चुनाव का मुद्दा यही है जी, हमें तो जिता के ओम प्रकाश धनखड़ जी को ही चंडीगढ़ भेजना है क्योंकि जो काम करवाएंगे, हमारे पास एक ही नेता है जो बादली हल्के के लिए काम करवा सकता है। चंडीगढ़ क्यों भेजना है यही रखिए ना आप लोग, तभी तो वो आप लोगों से जुड़ेंगे या फिर आप लोग की समस्या का हल होगा, यही गलती करते हैं आप लोग। देखो जी, हम तो बीजेपी के साथ है जी और धनखड़ साहब के को ही जिता के भेजेंगे जी। धनखड़ जी को कहाँ भेजिएगा जिता के, ऐसा आप लोग क्यों नहीं कहते हैं कि जिताएंगे, उम्मीद जताएंगे और गांव में ये जिताएंगे तो तभी तो चंडीगढ़ बैठेंगे। चंडीगढ़ बैठेंगे जब भी हाँ जी बताइए। चंडीगढ़ बैठने से काम होते हैं जी, घर बैठने से काम नहीं होते। हम उनको जिता के चंडीगढ़ भेजेंगे जब भी, तो वो आप ही लोग तो शिकायत करते हैं कि जो कांग्रेस के विधायक हैं वो कभी मिलने नहीं आते, सुनने नहीं, मिलने मत आओ एक दिन का समस्या भी तो सुनो लोगों की। ये नहीं कहते कि बिल्कुल धनखड़ साहब चंडीगढ़ रहेंगे, धनखड़ साहब पहले 5 साल में बने हुए थे, हर महीने हर गांव में चक्कर लगाते थे और चंडीगढ़ भी रहते थे, सारे काम करते थे। ये थोड़ी ना है कि हल्के में आना बंद कर देते हैं लेकिन जीत के चंडीगढ़ जाएंगे, मंत्रालय मिलेंगे, कोई पदवी मिलेगी, हल्के में काम तो तभी होंगे ना जी। कह रहे हैं कि वही जीत जाएंगे क्योंकि यहाँ पे तो अन्य आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में क्या बोलिएगा? अरे कोई किसी का कुछ नहीं है, धनखड़ साहब का एक तरफा माहौल है, अब की बार बादली हल्का एक तरफा धनखड़ साहब को जिताएगा जी। आप क्यों जा रहे हैं अभी बताइए ना, क्या माहौल है बादली विधानसभा? बिल्कुल बढ़िया माहौल है धनखड़ साहब का। धनखड़ साहब का अच्छा, जो कांग्रेस के विधायक है उनका
वो तभी एक तरफ तो विधायक भी रह चुके हैं 5 सालों से, आपको नहीं लगता कि उनका जो पावर होगा वो और भी ज्यादा होगा इस बार? नहीं, जनता कुछ नहीं, बिल्कुल होगी, जनता की आवाज आएगी, उनकी पावर बिल्कुल ज्यादा नहीं है। तो इस बार बादली विधानसभा की जनता क्या परिवर्तन चाहती है? बिल्कुल परिवर्तन है, बीजेपी का प्रत्याशी ओम प्रकाश धनखड़ जी आएंगे। परिवर्तन चाहने की वजह क्या, विकास हुआ है यहाँ का या नहीं हुआ? विकास बिल्कुल नहीं हुआ, कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप ने कोई विकास नहीं किया। तो बीजेपी प्रत्याशी पर आप लोग भरोसा? भरोसा है बिल्कुल। अच्छा, सटे हुए बहादुरगढ़ के भी प्रत्याशी हैं दिनेश कौशिक, जानते हैं आप? जानते हैं। उनका काम कैसा लगता है? उनका भी दूसरे लगेगा, हम कैसे बताएं? मतलब अपने बारे में सुना है ना, क्या लग रहा है वो जीत सकते हैं? दूसरे लड़के के बारे में नहीं कह सकते, यहाँ के बारे में, यहाँ के बारे में, वो हमारे यहाँ के बारे में। अच्छा चाचा, क्या कह रहे थे आप, किस चीज से परेशान है इन विधायकों की वजह से? हम तो इनसे जो परेशान तो ये है, जैसे कि कांग्रेस का विधायक है, हाँ, बनाया, हाँ, 5 साल व्यर्थ गए हमारे। अच्छा, ये हमारे लोगों की, जनता की जो है ना भूल है कि उनको बनाया और 5 साल तक बैठा के रख दिया। और हमारे जो हैं एक सच्चा नेक ईमानदार, जिन्होंने मतलब हारे हुए भी तभी भी मतलब हमारे जो है बादली विधानसभा हल्के में बहुत काम किए, हर तरफ जहाँ भी जाते हैं वहीं काम करते रहते हैं। दूसरी बात एक और कि इसको जिताने से उसका कोई फायदा नहीं, उन्होंने जो मतलब उनका जो कोटा था उसमें से भी अपने हलके में कुछ काम नहीं किया। कह रहे कि जनता भूल कर देती है, तो फिर आप लोग भूल करते ही क्यों हैं? नहीं, अब हमारे ये हमारे जैसे कि हम हैं, इस तरह के सभी आदमी तो नहीं है ना, हाँ, इसमें कुछ आदमी विधायक लोग चुनाव में आकर करते हैं या विधायक बनने वाले होते हैं, क्या वो वादा पूरा होता है? नहीं, ऐसा जो करने वाले हैं वो तो करते हैं, लेकिन धनखड़ साहब है जो इसके ऊपर हमारा पूरा विश्वास है, जो बीजेपी प्रत्याशी, हाँ जी, बीजेपी के ऊपर पूरा विश्वास। हरियाणा में बीजेपी का माहौल दिख रहा है? हाँ जी, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, हम तो इसको अपने हल्के से जिता के भेज देंगे चंडीगढ़, और वहाँ से हमारा संपर्क रहेगा, वो हमारे पास हर महीने यहाँ पे आएंगे, क्यों ऑफिस इधर रहेगा बादली विधानसभा में। अब जैसे कि आपने बोला भी उनको वहाँ भेज दिया, वहाँ क्यों भेज रहे हो? वहाँ भेजेंगे तो तभी चौधरी हमारे हाथ में आएगी, अगर वहाँ नहीं भेजेंगे तो चौधरी हमारे हाथ में कैसे आएगी? हाँ। तो वही मैं जानना चाह रही हूँ, आप और पूछो जो पूछोगे वही। विकास के नाम पे क्या हुआ बादली विधानसभा? देखो, अब हमारे विधायक साहब ने तो जो है ना जो उनके उसमें था वो उसने खूब किया विकास, हाँ। लेकिन उनकी वजह से जो है ना हमारे हलके में कोई विकास नहीं हुआ, और इसी वजह, हाँ जी, हाँ जी, पार्टी जो दावा कर रही है कि हमारी पार्टी, ऐसा नहीं है, ऐसा वो वैसा तो हुआ ही नहीं ना, हाँ। अब ये हम इसको जो है ना, आपने बीजेपी विधायक को जो धनखड़ साहब को जिता के भेज दे, अब हमारा यहाँ बादली विधानसभा जो क्षेत्र है जो पूरा खुशहाल रहेगा, आराम से, इधर कोई दिक्कत नहीं। देखिए, तो जो चाचा हैं और इनके साथ में जो भाई साहब लोग हैं, वो लोग भी साफ तौर पे यही कह रहे हैं कि जो बीजेपी प्रत्याशी हैं बादली विधानसभा में, जो ओम प्रकाश धनखड़ हैं, उनको ये लोग जिताना चाहते हैं और उन पर ये लोग उम्मीद जता रहे हैं। फिलहाल इन लोगों की बातों को लेकर, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारियाँ देते रहेंगे। जय हिंद।